Good morning, students. Welcome to the online classes of Lair Public School. I am Shilpi Bhargav. How are you? I hope you all are good at home and enjoy your classes. Yes. In the last video, we have completed our chapter 4. What is the name of this chapter? Our home. Okay. We have learned about my home. In this chapter, we have learned about our home. Okay. And do exercises and do also assignment. Okay, now in today's class I will explain you the PDF of this chapter. Okay students, which you have to do in your notebook, okay, with your neat and clean handwriting. Okay, and send it to me as soon as possible. Okay students, remember when I teach you and I remind you something, then you should listen to me very carefully and try to understand it. Okay, now let's start. Our first topic is, आपको जैसा पता ही है अपने पास टॉपिक क्या होता है, डिक्टेशन वर्ड. एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डिक्टेशन वर्ड? DICTATION, डिक्टेशन वर्ड्स. ओके, नाउ फर्स्ट डिक्टेशन वर्ड इज बेडरूम, BED, बेड, ROOM, रूम, बेडरूम. ओके, नाउ सेकेंड इज BATH, बाथ, ROOM, रूम, बाथरूम. ओके स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए बेडरूम, वेयर वी स्लीप, दिस इज कॉल्ड बेडरूम. जहां हम सोते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बेडरूम बोलते हैं. ओके, और बाथरूम, वेयर वी टेक बाथ एंड वेयर वी ब्रश आवर टीथ. ओके, नाउ थर्ड इज KITCHEN, किचन. किचन में क्या करते हैं? हमारी मम्मी हमारे लिए यमी यमी फूड बनाती है ना. ओके, यस, दिस इज कॉल्ड किचन, KITCHEN, किचन. आप लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड रिपीट विथ मी. ओके, एंड रिपीट लाउडली. अगर आप जोर से बोलोगे तो आपको जल्दी से लर्न भी हो जाएगा. ओके, फोर्थ इज लिविंग रूम, LIVING, लिविंग, ROOM, रूम, लिविंग रूम. लिविंग रूम में हम क्या करते हैं? वी वेलकम आर गेस्ट एंड वी स्पेंड आर फैमिली टाइम. जहां पे हम अपना फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लिविंग रूम. ओके, गैराज, GARAG, गैराज. गैराज क्या होता है? वेयर वी पार्क आर बाइक, कार, है ना. ओके, वेयर वी पार्क आर व्हीकल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज विंडो, WINDOW, विंडो. ओके, विंडो को क्या कहते हैं? खिड़की, है ना, सबके घर में होती है ना विंडोज. ओके, बालकनी, BALCONY, बालकनी. मैम ने आपको बताया था ना, जहाँ पे हम आपके अपने प्लांट्स को रखते हैं, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं ना उनको हम बालकनी में रखते हैं, है ना. और बालकनी से क्या आती है? फ्रेश एयर भी आती है ना. नाउ नेक्स्ट इज रूफ, ROOF, रूफ. रूफ को क्या बोलते हैं हम? छत. रूफ को क्या बोलते हैं? छत. ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करना. आर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. ओके, है ना, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करना. स्लीप, स्लीप सबको पता है, स्लीप, SLEEP, स्लीप. स्लीप मीन्स क्या होता है? स्लीप मीन्स सोना. और हम कहाँ सोते हैं? हम बेडरूम में सोते हैं. ओके, नाउ आर सेकेंड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स, fill in the blank. We live in our houses. कहाँ रहते हैं हम? Houses में, या सड़क पे? Houses में, घरों में. तो so repeat with me, we live in our houses. हम कहाँ रहते हैं? हम अपने घरों में रहते हैं. Okay, second is a house has many rooms. हाउस में क्या होते हैं? रूम्स. कितने रूम्स? सबके हाउस में अलग अलग नंबर ऑफ रूम्स होते हैं ना. ओके, तो अ हाउस हैज मेनी रूम्स, हाउस में बहुत सारे रूम्स मतलब कमरे. हाउस में बहुत सारे, घर में बहुत सारे कमरे होते हैं. ओके, थर्ड इज वी टेक बाथ इन द, टेल मी वेयर वी टेक बाथ?
वी टेक बाथ इन द बाथरूम. यस, हम बात कहाँ लेते हैं? बाथरूम में. कहाँ नहाते हैं? बाथरूम में. ओके, वी स्लीप इन द बेडरूम. वेयर वी स्लीप? टेल मी, कहाँ सोते हैं हम? बेडरूम. तो वी डैश इन द बेडरूम. हम बेडरूम में क्या करते हैं? स्लीप, सोते हैं. SLEEP, स्लीप. ओके, नाउ वी कीप आर व्हीकल्स इन द, कहाँ रखते हैं, कहाँ पार्क करते हैं व्हीकल्स को? गैराज. ओके, सबको समझ में आया? हम व्हीकल्स को कहाँ रखते हैं? गैराज. ओके, नाउ थर्ड इज पुट राइट और रॉन्ग. पुट राइट और रॉन्ग. अब आपको मैम को बताना है कि कौन सा सेंटेंस राइट है और कौन सा रॉन्ग है. विच इज रॉन्ग एंड विच इज राइट. ओके, अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन. क्या हाउस हमको हीट कोल्ड और रेन से प्रोटेक्ट करता है? यस और नो? यस. ओके, वेरी गुड. वी ब्रश आर टीथ इन द किचन. आप किचन में अपने ब्रश को टीथ करते हैं, ब्रश करते हैं आप? नो, इट्स अ रॉन्ग. बिकॉज वो क्या कह रहा है कि आप ब्रश करते हैं किचन के अंदर? नो. वेयर वी ब्रश आर टीथ, हम कहाँ करते हैं ब्रश? बाथरूम में करते हैं. तो ये क्या कह रहा है? रॉन्ग, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके, नाउ थर्ड इज वी ईट आर फूड इन द डाइनिंग रूम. हम कहाँ पर खाते हैं खाना? है ना, अपनी फैमिली के साथ बैठ के हम खाना खाते हैं ना, लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, है ना? कहाँ? लिविंग रूम. यस, इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. डाइनिंग रूम, सॉरी, डाइनिंग रूम. वी ईट आर फूड इन द डाइनिंग रूम. ओके, अ हाउस हैज मैनी पार्ट्स. हाउस के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. यस, मैम ने आपको टेबल था बुक के अंदर जब अपन पढ़ रहे थे, है ना, उस चार्ट में समझाया था ना, हाउस के पार्ट्स होते हैं. एक तो जिसमें हम अपने फैमिली की केयर करते हैं, है ना, शेयरिंग करते हैं, केयरिंग करते हैं, और एक रूम्स होते हैं. हाउस हैज मैनी रूम्स. ओके, अ हाउस हैज मैनी पार्ट्स. सो दिस इज अ राइट स्टेटमेंट. सो दिस इज अ राइट स्टेटमेंट. मैच द फॉलोइंग्स. ओके, कुकिंग. वेयर आर मदर कुक आर फूड फॉर अस? कहाँ? यस, किचन. KITCHEN, किचन. ओके, सो वी मैच द कुकिंग विद किचन. ओके, पार्किंग द कार. हम कार को कहाँ पार्क करते हैं? वेयर वी पार्क आर व्हीकल? यस, गैराज. ओके, GERAGE, गैराज. रिलैक्सिंग ऑन सोफा. कहाँ रिलैक्स करते हैं, कहाँ होता है सोफा? यस, लिविंग रूम. ओके, नाउ पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स. कहाँ पर गिरती है रेन की ड्रॉप्स? बारिश की बूंदी कहाँ गिरती है? यस, रूफ. ओके, नाउ आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, आप इसमें मैचअप भी कर सकते हैं और नंबर भी लिख सकते हैं. नाउ नेम द फॉलोइंग. ओके, फोर पार्ट्स ऑफ अ हाउस. फोर पार्ट ऑफ अ हाउस. हाउस के कौन कौन से फोर पार्ट होते हैं, है ना? फर्स्ट ROOF, रूफ. रूफ मीन्स छत. DOOR, डोर. डोर मीन्स दरवाजा, जिससे हम अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं, है ना? विंडो. WINDOW, विंडो. विंडो मतलब खिड़की. ओके, बालकनी. BALCONY, बालकनी. बालकनी जहाँ पे हम अपने प्लांट्स रखते हैं, छोटे छोटे से प्लांट्स रखते हैं, और जहाँ से हमें फ्रेश एयर भी मिलती है. ओके, फोर डिफरेंट रूम ऑफ अ हाउस. अब हमें बताना है डिफरेंट रूम ऑफ अ हाउस. तो हम, मैंने जैसे आपको पढ़ाया बेडरूम, बाथरूम, लिविंग रूम एंड किचन. सो रिपीट विद मी वंस अगेन, बेडरूम, बाथरूम, लिविंग रूम और किचन. नाउ नेक्स्ट इज नेम देम. नेक्स्ट इज नेम देम. ओके, सो रीड विद मी. वी नीड अ हाउस टू, वी नीड अ हाउस टू लिव इन. हमको हाउस की जरूरत क्यों पड़ती है? उसमें रहने के लिए, लिव इन. ओके, नाउ सेकंड इज वी कुक आर फूड. वी कुक आर फूड. कहाँ बनता है हमारा खाना? इन द किचन. किचन में बनाती है ना मम्मी, यमी यमी हमारा
जो फूड होता है वो कहाँ बनाती हैं? वो किचन में बनाती हैं। अ हाउस वी हर विल लिव विद आवर फैमिली इज कॉल्ड, जहां पर हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? होम। हाउस मकान, होम घर। होम हाउस जो मकान होता है वो घर कब बनता है? जब हम उसमें अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड होम। वी पार्क आर कार इन द, हम अपनी जो कार होती है उसको पार्क कहाँ करते हैं? गैराज, है ना, गैराज, GARAGE, गैराज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव आंसर इन वन वर्ड। स्टूडेंट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, व्हेन यू राइट योर वर्क इन योर नोटबुक, राइट नीटली, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग। ओके, आपको बहुत सुंदर राइटिंग में ये वर्क करना है और कोई मिस्टेक नहीं करनी है। स्पेलिंग्स में जैसे कुछ बच्चे होते हैं जब वो लिख रहे होते हैं तो स्पेलिंग्स में मिस्टेक हो जाती है ना गलती से, है ना, तो अपन को वो नहीं करना है, हमें केयरफुली उसको देखना है देन लिखना है। ओके, देन राइट केयरफुली एंड नीटली इन योर कॉपी। ओके स्टूडेंट, ओके नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डू वी वेलकम आर गेस्ट। जैसे कि मैम ने आपको बताया, वेयर वी वेलकम आर गेस्ट, कहाँ वेलकम करते हैं हम गेस्ट का? इन द लिविंग रूम। कहाँ वेलकम करते हैं? इन द लिविंग रूम। ओके, सेकेंड इज, वेयर डू वी गेट, वेयर डू वी ईट फूड, हम खाना कहाँ खाते हैं, है ना, इन द डाइनिंग रूम, इन द डाइनिंग रूम। वॉट इज, थर्ड इज, वॉट इज द टॉप पार्ट ऑफ अ हाउस कॉल्ड, जो घर का सबसे ऊपर का हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रूफ, ROOF, रूफ। ओके, वेयर डू वी टेक बाथ, हम बाथ कहाँ लेते हैं, हम बाथ कहाँ लेते हैं, टेल मी। यस, इन द बाथरूम, इन द बाथरूम। ओके, नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज आंसर दीज क्वेश्चंस। यस, व्हाट इज द आंसर दीज क्वेश्चन एंड व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? ओके, व्हाई डू वी नीड अ हाउस, व्हाई डू वी नीड अ हाउस, हमें हाउस की जरूरत क्यों होती है, टेल मी, हमें हाउस की जरूरत क्यों होती है? ये तो मैंने आपको बताया, आप ओरली मैम को बता सकते हो। वी नीड अ हाउस टू प्रोटेक्ट आर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन, है ना, ये तो आप मैम को बता ही सकते हो क्योंकि मैम ने आपको चैप्टर जब पढ़ाया था, एक्सप्लेन किया था, तो मैम ने आपको अच्छे से समझाया था ना कि क्या है इसमें। सो व्हाट वी राइट, वी राइट वी नीड अ हाउस टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, एनिमल्स एंड बैड पीपल। हमारा जो घर है वो हमारी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है किससे? हीट, गर्मी, कोल्ड, ठंडा, रेन, बारिश, एनिमल्स, जानवर एंड बैड पीपल, और गंदे लोगों से। ओके, नाउ सेकेंड इज, व्हाट इज होम, होम क्या होता है ना, द हाउस इन विच वी लिव विद आर फैमिली इज कॉल्ड अ होम, जहां जिस मकान में हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं वो क्या बन जाता है? वो घर बन जाता है, वो होम बन जाता है। द हाउस इन विच वी लिव विद आर फैमिली इज कॉल्ड अ होम। ओके, नाउ थर्ड वन इज, वॉट डू वी डू इन द बेडरूम, हम बेडरूम में क्या करते हैं, टेल मी, बताओ मुझे, हम बेडरूम में क्या करते हैं? यस, वी स्लीप इन द बेडरूम, वेरी गुड, वी स्लीप इन द बेडरूम। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। ओके, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट मीटिंग, टिल देन यू प्रैक्टिस इट एंड लर्न इट ऑन। ओके, whatever we do in today's class, in previous class, okay? Students, remember when you write your work in your copy, है ना? When you write your work in your copy, you write neat and clean handwriting and send it to me, okay? Send it to us, me and another ma'am, okay? Student, मैं यही बोलना चाहूंगी आपको कि जो हमने वर्क किया है ना,
जो हमने मैंने आपको ये वर्क कराया है, लर्न कराया है, वो सब आपको क्या करना है, लर्न करते रहना है, क्योंकि मैम आपका ये वी विल टेक टेस्ट ओके एज सून एज पॉसिबल. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ.